जहांपुर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचार में जुट चुके हैं, तेजी से प्रचार उनके द्वारा किया जा रहा है। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रैंड इंपीरियल गार्डन मुरथल में कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर जनता को संबोधित करेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और उसको लेकर तमाम राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी राजनीतिक प्रत्याशियों के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और प्रचार प्रसार उनकी ओर से किया जा रहा है। बात सोनीपत की जाए तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचार में आज भी नजर आएंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार उनकी ओर से प्रचार किया जा रहा है। ग्रैंड इंपीरियल गार्डन मुरथल में कार्यक्रम रखा गया है। इसी खबर पर हमारे साथ सोनीपत से जयदीप राठी ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। जयदीप राठी, तो आज क्या कुछ देखने के लिए मिल सकता है और जिस प्रकार से आज कार्यक्रम है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, कितनी भीड़ यहां पर पहुंचेगी, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? जी दृश्यगा, देखिएगा जिस तरीके से नामांकन के बाद पहली बार जो है पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुंचेंगे, तो आज सोनीपत विधान सोनीपत की जितनी भी विधानसभा है विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ जो है मीटिंग लेंगे और जो जिम्मेदारियां हैं या ड्यूटी है वो लगाई जाएंगी इस चुनाव को लेकर। तो आज पहुंचेंगे करीब 1 बजे करीब जो है हुड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे और जो भी उनके 6 जो हलके हैं, 6 के 6 हलकों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे, तो उनकी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी इस चुनाव को लेकर और उसी को लेकर आज मीटिंग भी की जाएगी। तो 1 बजे के करीब जो है भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुंचेंगे। जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेंगे उनके इस कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, देखिए इस कार्यक्रम में अगर बात करें तो सोनीपत जिले में 6 में से 5 जो है जो विधानसभा है वहां से 5 विधायक की बात करें, चाहे राय के जयचिर दहिया की बात करें, अतुलदीप शर्मा की बात करें जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं करनाल से, उसके अलावा जगबीर मलिक की बात करें, जिसमें की बात करें, जयदीप बाली की बात करें, ये तमाम विधायक हैं वो भी मौजूद रहेंगे, उनके तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और उन सभी के साथ जो भूपेंद्र हुड्डा जो है वो मीटिंग लेंगे, उसके बाद जो जिम्मेदारियां तय की जाएंगी इस चुनाव को लेकर। जी जयदीप राठी, अगर सोनीपत लोकसभा सीट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बड़े चेहरों ने इस सीट को आम लोकसभा सीट से हॉट सीट बनाकर रख दिया है। अब सवाल यह है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने क्या कुछ वो चीजें रहेंगी जो उन्हें फायदा इस चुनाव में दिलवा सकते हैं, या फिर क्या अगर नुकसान की बात की जाए तो क्या वो चीजें भी शामिल है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ने यहाँ से चुनाव में उन्होंने जिस तरीके से अनाउंस किया है, उसके बाद दिग्विजय चौटाला यहाँ से नामांकन के लिए आए, तो पूरे तरीके से जिस तरीके से 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, तो अपने आप में बड़ा चेहरा है, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और राज्य में ही नहीं देश में बड़ा चेहरा कांग्रेस का है, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने दिग्विजय चौटाला आ गए तो अपने आप में बड़ी सीट बन जाती है और भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे ये जो उनके लिए अंकित पॉजिटिव बात यह रहेगी कि सोनीपत की 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर जो अभी भी कांग्रेस के ही विधायक हैं और वो उनके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। उसके अलावा अब जो बीजेपी है, बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है बीजा और यहाँ पर बीजेपी जो सरकार प्रचारक भी जब है, चाहे मोदी की बात करें, चाहे अमित शाह की बात करें या बड़े चेहरों की बात करें, वो भी प्रचार के लिए आएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर कांटे की टक्कर रहने वाली है और दिग्विजय चौटाला उनको भी कम नहीं आका जा सकता। इस तरीके का प्रत्यक्ष उनका जीत भाई इलेक्शन में रहा था। तो जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयदीप राठी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें सोनीपत लोकसभा सीट जो अब हॉट सीट बन चुकी है क्योंकि प्रत्याशियों के चेहरों के कारण।